वीर महान यूपी के एक छोटे से कस्बे से WWE का सफर मिली रेसलिंग की नई सनसनी से। रेसलिंग की दुनिया में भारत के सितारे भी पिछले कुछ सालों से चमक रहे हैं। ग्रेट खली ने तो ऐसी शोहरत पाई, जो लोग रेसलिंग के बारे में कम जानते थे वो भी ग्रेट खली का फैन हुआ करते थे। ऐसे में भारत की एक नई सनसनी रेसलिंग की दुनिया में धमाल मचा रही है। ये है वीर महान, जिनके नाम के साथ उनका लुक भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। महान यूपी के एक छोटे से कस्बे में पैदा होकर रेसलिंग की दुनिया की सबसे बड़े आयोजन WWE तक पहुंचने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। वीर महान का असली नाम रिंकू सिंह राजपूत है और वह उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर जिले के गोपीगंज में पैदा हुए थे। गोपीगंज एक छोटी सी बाजार है जो प्रयागराज से वाराणसी मार्ग पर पड़ती है। 8 अगस्त 1988 को पैदा हुए वीर महान के पिता ट्रक चालक हैं। वीर के 9 भाई बहन हैं। रेसलिंग में नाम कमाने वाले वीर महान ने स्कूल के दिनों में भाला फेंका करते थे। इस खेल में उन्हें जूनियर लेवल का नेशनल पदक भी जीता है। वीर महान की कहानी बन चुकी है फिल्म। रिंकू सिंह ने इसके बाद गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। वीर महान बनने के पहले रिंकू सिंह एक प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी हुआ करते थे। वैसे आपको बता दें कि उनकी कहानी पर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है मिलियन डॉलर आर्म। मिलियन डॉलर आर्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यह एक टेलीविजन शो था जो 2008 में प्रसारित हुआ था। बेसबॉल के इस टैलेंट हंट शो से वीर पहली बार चर्चा में आए हुए थे। हालांकि तब वो अपने नाम रिंकू सिंह से जाने जाते थे। इसमें उनके साथ एक और खिलाड़ी दिनेश पटेल ने भी हिस्सा लिया था। इस शो के जरिए रिंकू सिंह को काफ़ी शोहरत मिली। रिंकू सिंह इस शो में नंबर 1 पर रहे। बाद में इस शो के नाम पर एक फिल्म भी बनी थी। अमेरिका में बेसबॉल और उनका खूब जमा। 2009 से 2016 तक कई लीग के साथ खेलते हुए खूब नाम और पैसा कमाया। फिर आया 2018 जब रिंकू सिंह ने बेसबॉल को अलविदा कह दिया और रेसलिंग की दुनिया में हाथ आजमाने की फुल तैयारी करने में लग गए। यही वो साल था जब उन्होंने WWE के साथ करार किया।